राजस्थान सरकार चाहे कितनी ही गुड गवर्नेंस की बातें करती हो, सीएम अशोक गहलोत भी अपनी सरकार के गुड गवर्नेंस और सुशासन की चर्चा समय समय पर कई कार्यक्रमों में कर चुके हैं, लेकिन बात जब धरातल पर अफसरों के काम करने की आती है तो कहानी इससे उलट नजर आती है। लेकिन राजस्थान सरकार के अफसर मुख्यमंत्री के इन तमाम दावों को हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा वाकया सामने आ रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से, जहां खनन विभाग के अफसर कार्यालय का समय 10 बजे होने के बावजूद 2 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं। अफसरों की इस लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बजरी सप्लाई यूनियन की ओर से जारी हड़ताल के चलते निर्माण कार्य में लगने वाली बजरी की सप्लाई पिछले 24 मई से बंद है। बजरी सप्लाई बंद होने के कारण जिले के अधिकांश सरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लोगों की शिकायत मिलने के बाद नवतेज टीवी के जोधपुर रिपोर्टर मनोहर सिंह ने शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक इस मामले की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। लोगों की शिकायत में भी सच्चाई नजर आई तो जोधपुर के मुख्य खनिज अभियंता श्याम चौधरी गुरुवार से जयपुर मीटिंग में गए बताए जा रहे हैं, जबकि ऐसे में धर्मेंद्र लोहार अपने कार्यालय से नदारद मिले। आगे की पड़ताल में जब हमारे रिपोर्टर ने वहां मौजूद विभाग के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने दबी जुबान से बताया कि एसएमई साहब तो रोजाना दोपहर 2 बजे के बाद ही दफ्तर आते हैं। जब हमने एसएमई लोहार के मोबाइल पर कॉल किया तो उनका फोन लगातार व्यस्त बताता रहा। 1 घंटे तक भी जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो हमने उनके ड्राइवर को कॉल किया तो उन्होंने अपना कॉल फॉरवर्ड कर दिया। वही अब बजरी बिल्डिंग निर्माण बजरी सप्लाई ठेकेदार यूनियन की ओर से शहर के सभी मजदूरों को लेकर रविवार या सोमवार तक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर के खनिज विभाग कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले 24 मई से लगातार जोधपुर के अंदर बजरी यूनियन के सप्लायर जो हैं उनकी तरफ से आंदोलन चल रहा है और हड़ताल चल रही है, उसको लेकर जिस तरह से विभाग के जो अधिकारी है कर्मचारी है उनको एक आंदोलन के दौरान इनका समझौता हुआ था मैनेजमेंट को लेकर, जिस तरह से एक डंपिंग की हुई बजरी पड़ी है उसके जवाब में आज एसएमई से हम बात करने के लिए आए थे, एमई से बात करने के लिए आए तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि एमई जयपुर गए हुए हैं श्याम कापड़ जो हैं, और दूसरी ओर एसएमई की बात करें तो उसके बारे में ये बताया गया कि यहाँ के जो स्टाफ है कि वो हमेशा ही उनका रूटीन है 2 बजे पहले ऑफिस में नहीं आते। आज भी आप देख रहे हैं इस वक्त 1 बज रहे हैं और 1 बजे हम ऑफिस के बाहर खड़े हैं और अभी भी वो ऑफिस में नहीं है। दूसरी बात, उनका फ़ोन पिछले 1.5 घंटे से लगाया जा रहा लेकिन कहीं ना कहीं वो फोन जानबूझकर उसको बिजी करके बैठे। और सबसे बड़ी बात है कि बजरी के जो यूनियन लोग के लोग हैं उनके द्वारा जिस तरह से बजरी का बैन कर दी है, रोक लगा दी, हड़ताल चल रही है, तो और इसी को देखते हुए मजदूर यूनियन भी अगले 1 या 2 दिन में सड़कों पर आने के संकेत मिल रहे हैं, तो इस दौरान ये स्थिति हो जाती है और मजदूर सड़क पर आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर है और उस दरमियान जैसे ऐसे आंदोलन से कैसे निपटा जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये आम आदमी के मजदूर के पेट से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे मामले के अंदर खनिज विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी है इस तरह से लापरवाही करेंगे तो क्या होगा उन मजदूरों का और उन आम लोगों का कि जो आज इसी खनन पे बैठे हैं, बजरी पे बैठे हैं, उनका घर कैसे चलेगा ये बड़ा सवाल है। और ये गैर जिम्मेदार किस तरह के हैं ये आप देख सकते हैं, और लोहार का जो है और अभी यहाँ जो एडीएम बैठते हैं उनसे भी मेरी बात हुई, वो मीटिंग में गए हुए हैं, तो अब देखना होगा कि ये किस तरह से इस आंदोलन से निपटेंगे और कब ये जवाब दे पाएंगे। नवतेज टीवी के लिए जोधपुर से मनोहर सिंह। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।